हाय एवरीवन, तो आज हम बात करने वाले गदर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, जो बहुत से फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है रिकॉर्ड तोड़ कमाई के मामले में। यानी कलेक्शन के मामले में गदर 2 ने बहुत से गधे को पीछे छोड़ दिया। बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन भरपूर मात्रा में पिल दिया है। KGF हिंदी डब में जितनी भी कमाई की थी उसका रिकॉर्ड गदर 2 के कलेक्शन से तोड़ दिया भरपूर मात्रा में। ठीक है, गदर 2 का कलेक्शन 17 दिनों में 450 करोड़ से ऊपर बिना किसी बकचोदी के पिल दिया बॉक्स ऑफिस पर। क्या बात है सर, क्या बात है सर। वही पठान का 450 करोड़ 18 दिनों में क्रॉस किया था बिना किसी बकचोदी के। बहुत तेज हो रहा है। यानी इसके मामले में गदर 2 ने पठान को बॉक्स ऑफिस पर रेल दिया कलेक्शन के मामले में। अच्छा। किसी भी मूवी का कलेक्शन के मामले में तीसरे हफ्ता धीरे धीरे नीचे चला जाता है, लेकिन गदर 2 का कलेक्शन तीसरा हफ्ता भी भरपूर मात्रा में पेल दिया गया। क्यों हिला डाला ना। और इस हफ्ते बिना किसी पक्षोदी के टिके रहना बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 के लिए बहुत बड़ा कठिन है। और उससे भी बड़ा कठिन है पठान का रिकॉर्ड तोड़ना। कलेक्शन के मामले में पठान बॉक्स ऑफिस पर कुछ ज्यादा ही पेल दिया। क्या पता गदर 2 पठान के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को पीछे छोड़ दे। चल झूठा। ऐसा करना गदर 2 के लिए बहुत मुश्किल है। कोई भी मूवी को बॉक्स ऑफिस पर चौथे वीक टिकना बच्चों का खेल नहीं है बिना किसी बकचोदी के। क्या बोला तूने? 17 दिन में 450 करोड़ से ऊपर कमा कर एक नया रिकॉर्ड बनाया है। बात तो सही है। फिर भी बाहुबली के सामने गदर 2 का रिकॉर्ड कुछ भी नहीं है 17 दिनों वाला। ये क्या है? यानी सिर्फ बाहुबली का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन गदर 2 ने नहीं तोड़ पाया बिना किसी बकचोदी के। राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा। उधर जवान भी बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन पलने के लिए कमिंग सून लगा है बिना किसी लंठाई के। अच्छा। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी।